चलिए आज ऐसे फेक फ्रूट एंड फूड आइटम्स आपको दिखाते हैं जिन्हें शायद आप हर रोज कंज्यूम कर रहे हैं। नंबर वन, व्हाइट ब्रेड। मिलावट का शिकार केवल दूध ही नहीं बल्कि दूध के साथ खाई जाने वाली ब्रेड भी है। कभी सोचा है कि कई ग्रेन से मिलाकर बनाई जाने वाली ब्रेड इतनी सफेद कैसे रहती है? जाहिर सी बात है, जब तरह तरह के ग्रेन साथ में मिलाए जाते हैं तो ब्रेड का काला होना लाजमी है, लेकिन नाश्ते में खाई जाने वाली ब्रेड तो सफेद होती है। जानते हैं कैसे? वह इसलिए क्योंकि उसमें गेहूं और बाकी ग्रेन्स के साथ पोटेशियम ब्रोमेट भी मिलाया जाता है। यह केमिकल केवल ब्रेड को व्हाइट ही नहीं बनाता बल्कि इलास्टिसिटी बढ़ाता है। रिसर्च में पाया गया है कि इस केमिकल के चलते लोगों में कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए कई देशों में ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन भारत में FSSAI के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी मैन्युफैक्चरर्स इसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। नंबर थ्री, सॉल्ट। सॉल्ट, अगर हम कहें कि जो नमक आप खा रहे हैं उसमें भी एक बड़ा झोल हो सकता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इंडियंस का सॉल्ट और स्पाइस इनटेक दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा रहता है। लेकिन दिलचस्प बात है कि मिलावट के दौर में मुनाफाखोरों ने नमक को भी नहीं बख्शा है। दरअसल कुछ लोग आयोडीन नमक बनाने के बजाय ग्लास और पोलिएस्टर से सस्ती इंडस्ट्रियल सॉल्ट बनाते हैं और इसे बाजार में खुलेआम बेचते हैं। दरअसल शुद्ध नमक बनाने की प्रोसेस काफी एक्सपेंसिव होती है, इसीलिए सस्ते में काम निपटाने के लिए लोगों की सेहत से खेला जाता है। इससे बचने का बस एक ही तरीका है कि नमक हमेशा वेरिफाइड ब्रांड से ही खरीदे। नंबर फोर, नकली शहद। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि मधुमक्खियां सेहत बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल करती हैं, पर नकली शहद बनाने के लिए इन पालतू मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर शहद नहीं बनाती बल्कि इनके बॉक्स के ऊपर चीनी को इस तरीके से घेर दिया जाता है कि बाद मधुमक्खियां इस चीनी को खाकर बॉक्स के अंदर वापस चली जाती हैं और फिर इस प्रोसेस से जो शहद तैयार होता है वह नकली शहद होता है। अब आइए जानते हैं नकली शहद को कैसे पहचान सकते हैं। देखो, नकली शहद पहचानने के तरीके में आपको शहद की एक बूंद लेकर कपड़े पर गिराना है और अगर वह बूंद कपड़े में ना लगने की बजाय नीचे गिर जाए तो आपका शहद असली है और नकली शहद हुआ तो कपड़े पर चिपक जाएगा। और अब तो नकली शहद में इतने सारे केमिकल मिला देते हैं कि नकली शहद को पहचान पाना काफी मुश्किल हो जाता है। नंबर फाइव, नकली पनीर। यह वीडियो देखने के बाद शायद आप भी पनीर को ऐसे गड्ढा में फेंक कर उस पर मिट्टी डालोगे। दरअसल बात यह है कि 2022 में मुंबई पुलिस ने 2000 केजी पनीर को सीज किया था जो कि नकली पनीर थे, जिसे कि बहुत ही अनहेल्दी तरीकों से बनाया गया था। और आए दिन ऐसे न्यूज आती रहती है कि नकली पनीर सीज किया गया। दरअसल नकली पनीर बनाने के लिए वेंडर्स क्या करते हैं कि मिल्क पाउडर और पानी को मिलाकर उसमें चूना मिलाकर उसे जमा देते हैं, फिर उसे क्रीमी बनाने के लिए उसमें पाम ऑयल डाल देते हैं और मार्केट में बेचने लगते हैं, जिसको खाना टोटली अनहेल्दी होता है। इसलिए आप पनीर खरीदने से पहले ठीक से चेक कर लेना। सेब। हम सभी जानते हैं कि सेब केवल कुछ लिमिटेड हिल एरियाज में होते हैं। अब जरा टेक्निकली सोचिए, हिल एरिया से चमकदार सेब 140 करोड़ आबादी तक पहुंचाने के लिए मार्केट सप्लायर्स क्या करते होंगे? ज्यादा कुछ नहीं, बस उसके रंग रूप से छेड़छाड़। दरअसल मार्केट में सेब को ज्यादा वक्त तक नया और फ्रेश दिखाने के लिए उस पर वैक्स कोटिंग चढ़ाई जाती है। डॉक्टर्स का कहना है कि कम मात्रा में लगाई गई वैक्स हानिकारक नहीं है, लेकिन मुनाफे की होड़ में रिटेलर्स दबाकर वैक्स कोटिंग से सेब को चमकदार लाल बना देते हैं। वह इससे प्रोटीन के सोर्स से जानलेवा इन्फेक्शन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और अल्सर का बाय प्रोडक्ट बना देते हैं।